आज आए थे यहाँ, जो एक घटना घट गई थी, आंधी और बारिश जो आई थी उसमें एक महिला दब के मर गई, उन्हीं के परिजन को आज चेक देने के लिए आए थे यहाँ, आपदा वाला। तो वो चेक दिया, उसी क्रम में हमने यहाँ देखा कि यहाँ की स्थिति बहुत बदहाल है। तो सभी लोग जो हमारे साथी और यहाँ के जो मुखिया जी लोग थे, उन लोगों ने कहा कि यहाँ यहाँ की जो अव्यवस्था है उसको ज़रा देख लीजिए। उसी क्रम में मनरेगा कार्यालय में भी आए और अंचलाधिकारी के कार्यालय में, फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में देखा कि उपस्थिति क्या है यहाँ, उसके बारे में भी जानकारी लिया। तो यहाँ कुल स्थिति का जायज़ा लिया है सब जगह। अभी हमने कहा है कि मनरेगा में भी जो डेटा मांगा है कि क्या क्या योजना चल रहा है, कौन पूर्ण है कौन अपूर्ण है, वो सारा आप उपलब्ध कराइए, फिर देखेंगे। कि चूँकि मनरेगा में काफ़ी शिकायतें मिल रही है पूरे प्रखंड से, सभी लोग सभी पंचायत से विभिन्न तरह के लिखित और मौखिक रूप से टेलीफोन पर भी और मिल करके भी लोगों ने हमको कंप्लेन किया, लिख के भी दिया है। तो जब हम यहाँ प्रखंड अंचल में आए हुए थे तो हमने देखा कि यहाँ भी देख लें, और हमने मांगा है डेटा, डेटा उपलब्ध कराते हैं। तो फिर हम खुद से भी योजनाओं पर पदाधिकारियों के साथ जा करके देखने का काम करेंगे कि क्या क्या गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी पाई गई तो निश्चित रूप से जो दोषी लोग होंगे, दोषी या वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्या उपस्थिति में भी अनियमितता पाई गई है? उपस्थिति में जो लोग नहीं हैं वो नहीं है, तो उनका अटेंडेंस नहीं बना हुआ है, वही देखा है हमने। कुछ लोग छुट्टी में हैं, कुछ लोग सरकारी काम से जिला में गए हुए हैं वरीय पदाधिकारी के आदेश से, वो हमने देखा है। उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है।